हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको GTA 4 किस तरीके से अपने पीसी में आप डाउनलोड कर सकते हो और वो भी कितने 600 MB के पार्ट्स में। ठीक है, 600 MB के अंदर ही गेम नहीं मिलेगा, पूरा गेम आप सोच रहे हो कि 600 MB में मिल जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। 600 MB के पार्ट्स में आप गेम को डाउनलोड कर पाओगे। और एक बात, इस गेम का पूरा साइज़ है 13 GB 13 GB 13 GB में आपको ये गेम पूरा मिलेगा। और अगर आपके पास ज़्यादा डाटा आता है पर डे का, तो आप 4.5 GB डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि एक ऐसी साइट का लिंक मैं आपको देने वाला हूँ जिस साइट से अगर आप डाउनलोड करोगे तो आपको वहाँ पर बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, आप अपने गेम को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और एक और बात, मुझे इंपॉर्टेंट बात मुझे इस वीडियो में इस गेम से रिलेटेड करनी है, सो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। देखो, मेन मुद्दा ये है कि देखो, GTA 4 आप इजीली डाउनलोड कर पाओगे, अच्छे से खेल पाओगे, बहुत अच्छा गेम है ये। ठीक है, और प्रॉब्लम ये है कि मैंने इस वीडियो में इस गेम का इंस्टॉलेशन, डाउनलोड का जो प्रोसेस है एंड ओपन का जो प्रोसेस है वो नहीं बताया है। ठीक है, अब उसका रीज़न ये है कि बिकॉज ऑफ दी यूट्यूब गाइडलाइंस, तो यूट्यूब के रूल्स के ख़िलाफ़ है कि अगर मैं इंस्टॉलेशन दिखाता हूँ एक मोनेटाइज चैनल में तो मुझे एड सूटेबिलिटी का लाइक समझो ना, मुझे एरर आ सकता है उसका, एंड या फिर मुझे कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, तो इसलिए मैंने इंस्टॉलेशन नहीं बताया है। बट डोंट वरी, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको गेम डाउनलोड करना है, अच्छे से आपको गेम इजीली मिल जाएगा। कैसे, आपको नीचे लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का, डाउनलोड लिंक के अंदर ही, तो वहाँ पे आप जाओगे, उस वीडियो पे क्लिक करोगे, आप मेरे दूसरे चैनल पे पहुँच जाओगे जहाँ पे मैंने वीडियो बना के डाल दी है कि आप GTA 4 को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, वो साइट क्या है और क्या एक्सट्रैक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा, प्लस ओपन कैसे करोगे गेम को, और कौन सी DLL फाइल आपको पेस्ट करनी होगी अपने फोल्डर में। ओके, सो आपको कोई भी एरर नहीं आने वाला। एंड ऑल्सो ये गेम मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक कुछ लोग कहते हैं ना कि ये गेम बहुत बेकार है एंड एक्सेट्रा, लाइक बातें बनाते हैं ना इस गेम के बारे में, तो मैं बता दूं यार, ये गेम इतना भी बेकार नहीं है। ठीक है, मैंने पर्सनली इस गेम को खेला है। ठीक है, वो मैं मानता हूँ ये गेम थोड़ा पॉपुलर नहीं है, बिकॉज जब ये लॉन्च हुआ था तो लाइक इतना नहीं चला था जितना GTA के सारे गेम चले थे, बट फिर भी यार इसके ग्राफिक और आप GTA 5 से कंपेयर करो तो फिर आप गलत नहीं हो। तो ग्राफिक्स और इसका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल अच्छा ही है यार। ठीक है, और 13 GB के अकॉर्डिंग में सबसे बेस्ट है। सो अगर आपके पास डाटा लिमिटेड आता है तो 600 MB के पार्ट्स में आप अपने PC में GTA 4 को डाउनलोड कर पाओगे, और वो भी बिना किसी एरर के। ठीक है, सो मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि आपने इंस्टॉलेशन क्यों नहीं दिखाया, तो मैं आपको पहले ही बता दूँ यार, है ना, बिकॉज ऑफ दी YouTube गाइडलाइंस, तो YouTube अलाउ नहीं करता, दैट्स वाई कि मैं वीडियो नहीं डाल पाया इंस्टॉलेशन की। बट डोंट वरी, मैं अगेन आपको बता दूं कि मैंने दूसरे चैनल पर वीडियो डाल दी है इंस्टॉलेशन की, डाउनलोड की और ओपन का क्या प्रोसेस है पूरा, आप GTA 4 को अच्छे से खेल पाओगे अपने PC में। बस आपको कुछ नहीं करना है, नीचे जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करना है, आप मेरी दूसरी वीडियो पे पहुंच जाओगे जहाँ पे मेरे दूसरा चैनल होगा, उसके नीचे आप जाओगे तो आपको डाउनलोड लिंक भी मिल जाएगा, प्लस वीडियो में आपको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी मिल जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी लोगों की डिमांड पे ये गेम लाया हूँ, एंड अगर आपको अच्छा लगे तो देखो रिस्पॉन्स देना मत भूलना, और मुझे लगता है कि आपको ये गेम बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत अच्छी साइट का लिंक मैंने दिया है, आप वहाँ से इजीली गेम को डाउनलोड कर सकते हो, और ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। रिक्वायरमेंट PC की क्या है वो भी मैंने उस वीडियो में बता दी है। ठीक है, क्या होनी चाहिए आपके PC की रिक्वायरमेंट। सो आज की वीडियो में यार इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ठीक है तो मुझे रिस्पॉन्स देना मत भूलना कमेंट के नीचे कि आपको कैसा लगा हो। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की डिमांड पे आई है ये वीडियो। ठीक है, सो ज़रूर बताना मुझे आपको कैसा लगा। ठीक है, एंड वीडियो फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स गो। I've been stuck on